आज जिसे सीन में देखा गया आपको पुलिस ले जा रही है जी, क्या चल रहा है, माजरा क्या है? जी माजरा ये है कि सूरज और चकोर के बीच में बहुत बड़ी टशन है। सूरज चाहता है कि चकोर उसे डिवोर्स ना दे एंड हम सब चाहते हैं कि हम सब डिवोर्स ले लें एक दूसरे से। सो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं चकोर को कि अगर तुमने हमें डिवोर्स दे दिया तो कमल नारायण के डेथ केस में फंसा देंगे। तो बस यही बेचारी इमली फंस चुकी है, ना लेना ना देना। कहा जाता है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो काफ़ी खुशी आती है, लेकिन ये कैसी शादी है जो आपके जीवन में सारे दुख के कांटे आ गए? पता नहीं हमारे डाक बाबा ने क्या लिख दिया हम सबकी किस्मत में, वही हम किस्मत पलटना चाहते बीच में आके उसे और बिगाड़ रहे। सो वी डोंट नो कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बट एज मी चकोर विवान हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस शादी के लिए इमली ने कितनी सैक्रिफाइस की थी, सारी की सारी जी बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे, सैक्रिफाइसेस तो नहीं लेकिन बहुत चाहा था, मेहनत की थी कि सूरज उससे प्यार करे या इमली की फीलिंग्स को समझे कि वो कितना प्यार करती है सूरज से। तो वो वर्कआउट नहीं हुआ, हुआ नहीं चलो ठीक है, लेकिन उससे कहीं बदतर बन गई चीज़। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। ईद आने वाली है तो फैंस के लिए क्या बोलना चाहिए? जी ईद मुबारक। ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, डेफिनेटली मैं हम यहाँ सेट पे रोज़ मनाते हैं, जो रोज़ा होता है मुस्लिम्स का, जो हम साट में बैठ के हमेशा 7:23, 7:25 हम बैठ के खोलते हैं। क्या खाते हैं वो? खजूर, खजूर से शुरुआत होती है उसकी। सो हमें बहुत अच्छा लगता है एंड विश यू ऑल एवरीवन अ वेरी ईद मुबारक। मे अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे और आपकी खुशियों से इस नए साल की स्वागत करने की परमिशन दे। थैंक यू। ऑन है।